दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर में कई टाइप के सेफ्टी एलिमेंट लगे हुए होते हैं, जैसे कि NRB या फिर मल्टीफंक्शन वाल्व लगा हुआ होता है, या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ होता है, या फिर वेंट पाइप, या फिर वेंट प्लग या फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ होता है। तो गीजर में ये सेफ्टी एलिमेंट क्यों लगे हुए होते हैं और इन सेफ्टी एलिमेंट लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है और यह सेफ्टी एलिमेंट कैसे काम करते हैं, और इनलेट पाइप में भी सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है तो गीजर के इनलेट पाइप में हमें कौन सा सेफ्टी वाल्व लगाना चाहिए, NRB या मल्टीफंक्शन वाल्व लगाना चाहिए या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व लगाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर में ये तीनों ही टाइप के सेफ्टी एलिमेंट लगे हुए होते हैं, जिनमें कि इन तीनों ही सेफ्टी एलिमेंट की वर्किंग अलग अलग होती है, अलग अलग कंडीशन में काम करते हैं। तो इसमें पहला जो होता है यह NRV वाल्व होता है, जिसे मल्टी फंक्शन वाल्व भी कहते हैं या NRV वाल्व भी कहते हैं। अभी जो नए गीजर आ रहे हैं, लगभग सभी इलेक्ट्रिक गीजर जो नए गीजर आ रहे हैं, सभी इलेक्ट्रिक गीजर में इसी तरह का NRV वाल्व लगा हुआ होता है या फिर गीजर के साथ में आता है, जो कि हमें इनलेट पाइप के यहाँ पर लगाना होता है। तो यह NRV वाल्व होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रिटर्न वाल्व। यह वाल्व पानी को रिटर्न आने से रोकता है। तो जब यह वाल्व गीजर के इनलेट पाइप में लगा हुआ होता है तो उस समय हम इनलेट वाल्व को ऑन करते हैं या फिर इनलेट वाल्व हमारा ऑन रहता है तो इनलेट वाल्व से होते हुए पानी इनलेट पाइप से होते हुए गीजर के अंदर जाता है। तो उस समय इस वाल्व से होते हुए पानी गीजर के अंदर भराता है और गीजर के अंदर जो भरा हुआ पानी होता है उसे रिटर्न आने से रोकता है, गीजर के अंदर भरे हुए पानी को रिटर्न नहीं आने देता है। और जब कभी किसी कारण से यदि हमारी पानी की टंकी खाली हो जाती है तो उस समय इनलेट वाल्व से होते हुए इनलेट गीजर के इनलेट पाइप से होते हुए गीजर के अंदर पानी जाना बंद हो जाता है। तो उस समय गीजर के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसे यह वाल्व रोके हुए रखता है, गीजर के अंदर भरे हुए पानी को यह वाल्व रिटर्न नहीं आने देता है, जिससे कि गीजर के अंदर पानी भरा हुआ ही रहता है। और उस समय यदि कोई गीजर को ऑन कर देता है तो उस समय गीजर के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, जिससे कि गीजर का हीटिंग एलिमेंट ख़राब नहीं होता है। और यदि यह वाल्व लगा हुआ नहीं होगा तो उस समय गीजर के इनलेट पाइप से पानी रिटर्न आ जाएगा। जब हमारी पानी की टंकी खाली होगी तो उस समय गीजर के इनलेट पाइप से पानी रिटर्न आ जाएगा, और जब हम गीजर को ऑन करते हैं या फिर कोई भी आकर गीजर को ऑन कर देता है तो उस समय गीजर में पानी नहीं होने की वजह से गीजर के अंदर लगा हुआ हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाएगा। और यह NRV वाल्व प्रेशर मेंटेन का काम भी करता है, यानी कि गीजर के अंदर जो इनलेट पाइप से पानी जाता है उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे कि यदि हमारी पानी की टंकी अधिक हाइट पर रखी हुई है, जैसे कि दूसरे या तीसरे मंजिल पर रखी हुई है, जिससे कि अधिक हाइट पर होने के कारण पानी अधिक प्रेशर से आता है, जिससे कि गीजर के अंदर जो पानी इनलेट पाइप से जाता है उसका प्रेशर भी अधिक होगा। जो इनलेट पाइप से पानी अधिक प्रेशर से आता है उसके प्रेशर को कम करके गीजर के अंदर भेजता है। यदि यह प्रेशर को कम करके नहीं भेजेगा तो उससे गीजर के अंदर जो टंकी लगी हुई होती है पानी की, स्टील की टंकी, वह फुल भर जाती है। और फुल भरने के बाद भी पाइप में अधिक प्रेशर होने की वजह से टंकी के अंदर भी उतना ही प्रेशर बनता रहेगा, जिससे कि या तो प्रेशर रिलीज वाल्व ऑपरेट हो सकता है या फिर हमारी गीजर की जो पानी की टंकी वो लगी हुई होती है वह फट सकती है। तो उसमें यह प्रेशर को भी मेंटेन करता है, जिसमें कि इसमें NRV वाल्व लगा हुआ होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जिससे कि वह स्प्रिंग प्रेशर को मेंटेन करती है या फिर प्रेशर कम करके गीजर के अंदर पानी को भेजती है। और यदि आपके पानी की टंकी जस्ट बाथरूम के ऊपर ही रखी हुई है, जिससे कि गीजर के अंदर पानी बिल्कुल कम आ रहा है या फिर बिल्कुल स्लो आ रहा है, तो उसमें गीजर के अंदर पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो इसमें NRV वाल्व लगा हुआ होता है उस NRV वाल्व में से आप स्प्रिंग को निकाल सकते हैं। स्प्रिंग को निकाल कर दोबारा से NRV वाल्व को लगा सकते हैं तो उसमें पानी स्पीड से आने लग जाएगा या फिर पानी का प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और उसके बाद यह वाल्व प्रेशर रिलीज वाल्व का भी काम करता है, जिसमें कि यदि हमारा गीजर ऑन है और गीजर के पानी की टंकी के अंदर लगे हुए होते हैं थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ, यह दोनों ही टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो किसी कारण से यदि सेंस करना बंद कर दे या काम करना बंद कर दे तो उसमें गीजर में पानी गर्म होता ही रहेगा, और गीजर में ज़्यादा पानी गर्म होगा या फिर लगातार पानी गर्म होता रहेगा तो उसमें अधिक स्टीम बनेगी, अधिक भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो उसमें अधिक प्रेशर बढ़ेगा। तो गीजर के अंदर अधिक प्रेशर बनने से यह प्रेशर रिलीज वाल्व से होते हुए प्रेशर टंकी से बाहर आ जाएगा और गीजर के अंदर जो स्टील की टंकी लगी हुई होती है वह फटने से बच जाएगी। और यदि इस तरह का प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ नहीं होगा तो उस समय गीजर के अंदर जो पानी की टंकी के अंदर जो पानी लगा हुआ होगा वह लगातार गर्म होता रहेगा,
और अधिक स्टीम बनने से या फिर अधिक भाप बनने से टंकी फट भी सकती है। तो इस तरह से यह वाल्व नॉन रिटर्न पानी का भी काम करता है और प्रेशर मेंटेन का भी काम करता है। गीजर के अंदर जो इनलेट पानी जाता है उसका प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है और गीजर के अंदर जो पानी की टंकी के जो प्रेशर बनता है उसके प्रेशर को रिलीज करने का भी काम करता है। तो इस तरह से यह वाल्व एक से अधिक काम करता है, इसीलिए इसे मल्टीफंक्शन वाल्व कहते हैं। और उसके बाद दूसरा वाल्व जो होता है यह प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, जो कि यह सिर्फ प्रेशर को ही मेंटेन करता है। और इस तरह के जो वाल्व होते हैं यह पहले जो गीजर लगते थे उनमें आता था, अभी जो नए गीजर आते हैं उनमें यह किसी किसी गीजर में ही आता है। और यह वाल्व भी गीजर के इनलेट पाइप में लगता है। तो जो यह प्रेशर रिलीज वाल्व होता है यह गीजर के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है गीजर ऑन रहता है और उसमें थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ किसी कारण से काम नहीं करते हैं, तो उस समय गीजर के अंदर पानी गर्म होता ही रहता है। और गीजर के अंदर पानी अधिक गर्म होता है, अधिक स्टीम बनती है, तो गीजर के अंदर अधिक प्रेशर बनता है, तो उस समय यह प्रेशर रिलीज का काम करता है। अधिक प्रेशर बनने पर यह प्रेशर को रिलीज कर देता है, टंकी को फटने से बचाता है। और उसके बाद दूसरा काम जो होता है वह पानी जो टंकी से जो पानी आता है जो इनलेट पानी आता है उसका यदि अधिक प्रेशर होगा तो टंकी के अंदर यदि ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो उस समय प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है, इसीलिए इसे प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। तो इस तरह से इसमें यह जो दोनों ही वाल्व होते हैं मल्टीफंक्शन वाल्व या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व, यह दोनों ही वाल्व गीजर के इनलेट पाइप में लगते हैं। और उसके बाद होता है तीसरा वाल्व जो कि वेंट वाल्व या फिर इसे फ्यूजिबल प्लग भी कहते हैं। तो इसमें जो यह फ्यूजिबल ड्रेन प्लग होता है यह गीजर की पानी की टंकी से कनेक्टेड रहता है। यह लगभग सभी इलेक्ट्रिक गीजर की पानी की टंकी से कनेक्टेड रहता है, जो कि कई गीजर में पानी की टंकी में नीचे की तरफ होता है जिसमें कि प्लास्टिक की पाइप से होते हुए बाहर निकलता है, जो कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप के साइड में ही होता है। और कई गीजर में यह फ्यूजिबल ड्रेन प्लग गीजर की टंकी के ऊपर की साइड निकला हुआ होता है। और इस तरह का वेंट प्लग या फिर फ्यूजिबल ड्रेन प्लग प्रेशर कुकर में भी लगा हुआ होता है, जो कि प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगा हुआ होता है प्रेशर रिलीज करने के लिए होता है। तो यह जो फ्यूजिबल प्लग होता है यह उस समय ऑपरेट होता है जब गीजर के अंदर थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ काम करना बंद कर देता है और गीजर के अंदर भरा हुआ पानी गर्म होता ही रहता है, अधिक गर्म होता है या फिर अधिक भाप बनती है या फिर अधिक स्टीम बनती है, तो उसमें गीजर के अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। और उस समय किसी कारण से यदि मल्टीफंक्शन वाल्व या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व ऑपरेट नहीं होते हैं और प्रेशर रिलीज नहीं होता है तो उस समय गीजर की टंकी के अंदर अधिक प्रेशर बढ़ता है। तो उस समय इस प्लग में एक झिल्ली लगी हुई होती है, वह झिल्ली गीजर में अधिक स्टीम बनती है तो अधिक स्टीम बनने पर वह झिल्ली पिघलती है और वह झिल्ली पिघल जाती है तो उस समय अधिक स्टीम इससे निकल जाती है, इस वाल्व से होते हुए बाहर निकल जाती है और गीजर फटने से बच जाता है। और यदि इस तरह का वेंट वाल्व लगा हुआ नहीं होता है तो उस समय गीजर फट सकता है या फिर ब्लास्टिंग हो सकती है। तो इस तरह से इन तीनों ही मल्टीफंक्शन वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व और वेंट वाल्व या फिर फ्यूजिबल प्लग की वर्किंग होती है, इसी तरह से ये काम करते हैं। और यदि आपने गीजर इंस्टॉलेशन करवाया है तो गीजर के इनलेट साइड में मल्टीफंक्शन वाल्व या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व लगाना जरूरी होता है। और मल्टीफंक्शन वाल्व लगाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, मल्टीफंक्शन वाल्व में ज़्यादा सेफ्टी रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसमें भी कोई डाउट हो या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।